खुदावंद खुदा अपने पाक रूह के वसीले से हमारे बातिन से, हमारे अंदर के इंसान से, हमारी रूह से कलाम करता है। और जिस खास खिदमती रोल के लिए वो हमें बुलाता है, खुदा पाक रूह के वसीले से हमारे अंदर उस खिदमत के लिए बोझ को पैदा करता, ख्वाहिश को बेदार करता, रुझान को फरोग देता और देता है और हमसे हमारी रूह से बोलता है। 1517 में कलीसियाई इस्लाहकार मार्टिन लूथर ने कहा कि बुलावे के ताल्लुक से खुदा की आवाज ईमान के वसीले से सुनी जाती है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि जब खुदा हमारे बातिन में किसी खिदमत के लिए बुलावा पैदा करता है तो वो आवाज इस कदर वाजे और शदीद होती है कि हमारे अंदर उस काम के लिए ऐसी गहरी ख्वाहिश पैदा होती है, ऐसा शदीद जज्बा पैदा होता है कि उस काम को किए बगैर हम समझते हैं कि मेरी जिंदगी बेकार है। सो ये रूहुल कुद्स की आवाज बुलावे को पहचानने के लिए बातिन में सुनाई देती है। क्या आज जो खिदमत आप कर रहे हैं, आपने अपनी रूह की गहराई में खुदा के रूह की आवाज सुनी है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मैं नाम लेकर तुझे इस खिदमत के लिए बुला रहा हूं।